नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय फोटोग्राफी चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को किस तरह से हम एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसे कलराइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज लेके आएंगे। यहाँ पे हमने एक इमेज ओपन कर ली है। इस इमेज को हमें अभी कलराइज करना है। तो सबसे पहले हमें एक कलर का पैलेट हमें चाहिए। कलर का पैलेट मतलब हमारी जो स्किन रहती है वो लाइट एंड शैडोज और हाईलाइट से बनी रहती है। तो उसी तरह से हमें कुछ कलर हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम कोई भी एक इमेज जो पहले से ही कलराइज है उसे हम ओपन करेंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कई जगह पे ज्यादा हाईलाइट है, कई पे डार्क एरिया है, शैडोज भी है। तो इस एरिया में से हम कुछ कलर यहाँ से उठाएंगे। तो सबसे पहले हम टूल बार में से कलर पिकर सेलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे। यहाँ पे सैंपल का साइज लेंगे 5x5, मतलब उसी 5x5, मतलब अगर वो पिक्सल जो इसमें जो पिक्सल रहते हैं वो जो स्क्वायर है 5x5 का, तो उसमें से वो एवरेज कलर उठा लेगा। और यहाँ पे आप सैंपल ऑल लेयर रखो। इस कलर वाली इमेज में से कुछ कलर के सैंपल यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ब्राइट वाला हिस्सा है जो है वो ये है। तो यहाँ से हम पहले हाइलाइटेड वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस कलर को हमने अभी सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि ये ज़्यादा ब्राइट है। इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज पे आएंगे, ब्रश सेलेक्ट करेंगे, हार्डनेस 100, वापिस से इस कलर वाली इमेज में आएंगे, थोड़ा सा कम ब्राइटर, वापिस से इस कलर वाली इमेज पे आएंगे। यहाँ पे हम शैडोज वाली इमेज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे शैडोज है, तो यहाँ पे हमने कलर का पैलेट तैयार कर लिया है। अभी हम इस कलर वाली इमेज को डिलीट कर देंगे और हम यहाँ पे ये जो पैलेट है इसे सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज पे जाएंगे। यहाँ से आपको यहाँ पे नीचे आपको एक ग्रेडियंट मैप का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, उसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहले जो कलर हमने लिया था कम ज़्यादा ब्राइटर वाला, उस कलर को हम सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे ग्रेडियंट मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे जो हिस्सा है जो लेफ्ट के साइड में है वो ज़्यादा डार्कर है और राइट के साइड जो हिस्सा है वो सबसे ब्राइटर है। तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे कलर को और इस कलर को हम लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन हमारा कलर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे सब कैंसिल करो, इसे कैंसिल करो। यहाँ पे ग्रेडियंट मैप में आपको मास्क सेलेक्ट नहीं करना है, आपको इस आइकॉन को सेलेक्ट करना है और आप वापस से इसमें जाओ, ब्राइटर कलर सेलेक्ट करो। यहाँ पे डार्कर कलर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे और एक पॉइंट देते हैं कि इसमें हम इस कलर को फिल करते हैं। यहाँ पे और एक पॉइंट इसमें इस कलर को फिल करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे ओके, ये क्लोज कर देते हैं। इतना करने के बाद हम इस पैलेट को ऑफ कर देते हैं। अब हम यहाँ इसे लेयर पैनल में जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है इसमें हम कर देंगे कलर कलर।
वापस से हम इस इमेज में जाएंगे, ग्रेडियंट मैप में जाएंगे और इस आइकॉन को सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे चाहिए तो हम और एक यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ हिस्सा है जो कलर की वजह से, यहाँ पे जो डार्क शाडोज है या फिर हाईलाइट है वो इस कलर की वजह से छुप गए, तो हमें उसे ऊपर लाना है। तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट मैप में यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको लेयर स्टाइल का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन करके एक ऑप्शन है, अंडरलाइन लेयर है उसे हमें ऊपर लाना है, उसकी डिटेल हमें दिखाना है। तो यहाँ पे इस यहाँ पे तो यहाँ पे इस कर्सर को यहाँ तक लाने के बाद हमें यहाँ पे इस इमेज के डिटेल शाडोज, डार्क शाडोज यहाँ पे दिखने लगी। तो यहाँ से हम इसे कट कर देंगे, अल्ट दबा के हमें इसका दो टुकड़ा कर देंगे और एक यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इसे भी जो ब्राइटर हिस्सा है उसे भी हम लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, जैसे हमें यहाँ पे हाइलाइट्स नजर आ रही है। इसे भी हम दो टुकड़े कर देंगे अल्ट दबा के। ठीक है, यहां से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इस इमेज में वापस से हम ग्रेडियंट मैप में जाएंगे और यहाँ पे एच लिखा है, इसका मतलब है ह्यू, कलर का जितना भी वैरायटी आपको इस इसमें से मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एच पे लिखा है, तो यहाँ से मैं कर्सर को अगर मैं ऊपर नीचे करूँगा तो आपको कलर की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे मिल जाएंगी। इतना एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे अभी यह प्रॉपर स्किन टोन यहाँ पे मिल गया है, तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा, यहाँ से भी ओके कर दूंगा। अब हमें इस ग्रेडियंट मैप के सामने जो व्हाइट वाला मास्क है उसे हमें इन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इस मास्क को क्लिक करने के बाद कंट्रोल आए, तो हमारा ब्लैक मास्क एक्टिव हो गया है। अब हम यहाँ से पेंटिंग करेंगे, यहाँ पे एक ब्रश लेंगे, सॉफ्ट हार्डनेस इसका 0, ठीक है। आप अपना टाइम लेके इसे प्रॉपर
कलरिंग करो। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा स्पीड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेंटिंग कर ली है। आपको अगर ऐसे लग रहा है कि इसमें स्किन स्किन टोन में थोड़ा सा चेंज करना है, तो आप यहाँ से वापस जाके दोस्तों, अभी यहाँ पे हमने इस इमेज को स्किन कलर कर लिया है। अब हमें इसकी जो पगड़ी है इसे हमें कलराइज करना है। तो यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे एक ह्यू सैचुरेशन लेंगे। ह्यू सैचुरेशन लेने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे इसे कलराइज। कलराइज करने के बाद यहाँ पे सैचुरेशन आपके हिसाब से आप बढ़ाओ। इसकी पगड़ी का कलर हम कर देते हैं लाल। ओके, यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं। इसे भी हम ब्लैक मास्क दे देते हैं, कंट्रोल आई, और यहाँ से हम ब्रश लेके पेंटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पगड़ी को कलर दे दिया है। यहाँ पे हम इसे पीछे बैकग्राउंड जो है इसे हम कलर करते हैं। सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे इमेज को क्लिक करो, यहाँ से यू एंड सेचुरेशन, और यहाँ पे कलराइज करो। यहाँ पे दे दो ब्लैक वाला मास्क, कंट्रोल आई, और यहाँ से आप पेंटिंग चालू कर दो। यहाँ पे व्हाइट वाश चाहिए। यहाँ पे हम शर्ट का कलर भी चेंज कर देंगे। ब्लैक मास्क, यहां से लेंगे ब्रश।
यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमने इस इमेज को कलराइज कर लिया है, यहाँ पे इनकी लिप्स को भी कलराइज करते हैं। तो या इसमें से इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने इस कलर वाली जो स्किन वाली जो इमेज है उसको कलर करने के लिए यही ग्रेडियंट यूज किया था। तो इसके ऊपर इस पे क्लिक करके हम यहाँ से एक ह्यू सैचुरेशन लेंगे और यहाँ पे कलराइज के यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं। ब्लैक मास्क ब्रश, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसे एक डुप्लीकेट लेयर करते हैं और इसे सेव कर देंगे। कलर फोटो, सेव, ओके। इस इमेज का पीएसडी हम सेव करते हैं। यहाँ से अभी हम दोनों इमेज को एक साथ ओपन करेंगे। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि किस तरह से हमने कोई भी एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को किस तरह से कलराइज करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा आपको अगर हार्ड लग रहा है, तो एक इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैंने हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो देख लेना। तो दोस्तों कैसा लगा ये आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलो दोस्तों, और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।